सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? अच्छा, गुरुजी को प्रणाम क्यों किया जाता है बताओ जरा, क्यों किया जाता है? गुरु को प्रणाम करने का और कोई मतलब नहीं, एक ही मतलब है कि अभिमानी व्यक्ति का अभिमान शून्य हो जावे। तिब्बत में एक परंपरा है, बौद्धों में, बुद्ध लोग तिब्बत में क्या करते हैं कि अपने गुरु की तरफ मुख करके 1000 बार रोज प्रणाम करते हैं। 1000 बार प्रणाम करते हैं तो जरूरी नहीं कि गुरुजी देखें, वो काम कर रहे गुरुजी कमरे में है, पर शिष्य 1000 बार दंडवती प्रणाम करता है। बोले क्यों? बोले प्रणाम की महिमा नहीं है, 1000 बार अभिमान को प्रतिदिन शून्य करता है वह चेला। ये तिब्बत की परंपरा है। तो गुरु को प्रणाम करने का आशय क्या? गुरु को प्रणाम करने का आशय है अभिमान को शून्य करना। गुरु कौन? धर्माज्ञो धर्म कर्ता च, सदा धर्म परायणा। धर्म को जानने वाला, धर्म का आचरण करने वाला, धर्म पर चलने वाला, और अपने साथ साथ अपने शिष्य को भी जो धर्म पर चलावे, वही गुरु है। ऐसे गुरु की चरणों की सेवा करना ही गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति। ये तीसरी भक्ति है। एक बात और, जिनके जीवन में, जरा भाई ये इको कम करिए, गुरुदेव होते हैं उनका जीवन बसंत जैसा हो जाता है। कैसे? बरसात होती है, बरसात तो देखी होगी आपने, देखी है? अच्छा, बरसात होती है तो कई लोग छाता लगा लेते हैं। अच्छा, छाता लगाने से क्या बारिश बंद हो जाती है? बोलिए, बारिश बंद नहीं होती, लेकिन छाता लगाने से जिसके ऊपर छाता होता है वो सुरक्षित हो जाता है। उसी प्रकार जिंदगी बिना गुरु के रहेगी तो संकटों की बारिश होती रहेगी, तुम भीगते रहोगे, और गुरु रूपी छत्र छाया अगर तुम्हारे ऊपर आ जाएगी तो कितने भी संकट आ जाए, संकट आने से नहीं रुकेंगे, लेकिन संकटों से विचलित होने से आप बच जाओगे। हाँ, इसीलिए हमारी प्रार्थना है विनम्रता पूर्वक रामचरितमानस की तीसरी भक्ति को, टीकमगढ़ वाले जितने भी पागल विराजमान हैं, आप सब तीसरी भक्ति को जरूर अपनाओ, गुरु चरणों की सेवा करो, पर हमारे चंगीलाल और मंगीलाल जैसी मत करना। हाँ, सब करना। एक बार हमारे चंगीलाल और मंगीलाल दोनों ने गुरु जी की सेवा की, जरा ठीक कर दो भाई इसको, आप केवल ईको पर खेलते हो, ईको पर मत खेलो, भराव डालो, गेन करो। हाँ, तो एक बार चंगीलाल और मंगीलाल गुरुजी के पास गया, दोनों गुरुजी के चरणों की सेवा करने लगे। चंगीलाल ने गुरुजी का दायां पैर पकड़ लिया, मंगीलाल ने बायां, बंटवारा कर लिया। चंगीलाल बोला हम आज से केवल दाएं पैर की सेवा करेंगे, मंगीलाल बोला हम आज से केवल बाएं पैर की सेवा, दोनों एक दूसरे के पैर को नहीं छुएंगे। बंटवारा हो गया, गुरुजी तो एक ही है, चेला दो, अब पांव भी दो हैं। हमने सुना है वो चेला भी टीकमगढ़ के ही थे। अब ये नहीं है पता कि कहां रहते थे, पर कल हम आपको मकान नंबर बता देंगे। दोनों गुरुजी की सेवा करने लगे। एक बार चंगीलाल हो गया अब्सेंट, आया ही नहीं घर से, घरवाली ने नहीं आने दिया। मंगीलाल भर आया,
गुरु जी का मंगीलाल का पैर था बायां, तो बायां पैर भर केवल दबावे। गुरु जी बोले भाई थोड़ा दायां भी दबाओ। चेला बोला वो तो बंटवारे में गया, सब करेंगे पर हम दायां पैर छुएंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये आया ही नहीं, जिसका बंटवारा हुआ है जिससे वो आया ही नहीं, तो हम क्यों छुए। गुरु जी बोले भाई देखो बंटवारा तो तुम लोगों ने किया है पर पैर तो चरण तो हमारे। बोले चरण जरूर तुम्हारे पर बंटवारा तो हमारा है। गुरु जी बोले भाड़ में जाओ, कौन बहस करे। गुरु जी लेट गए और लेटे लेटे उन्होंने करवट लिया, सो बाएं पैर पे दायां पैर धर दिया। जहां बाएं पैर पे दायां पैर रखा सोई चीला का दिमाग खराब। एक तो ये आया नहीं है इस हिस्से वाला आदमी, ऊपर से हमारे हिस्सा के ऊपर दबा, हमारे हिस्सा के ऊपर रखा, दिमाग खराब चेला को, ढाई हाथ को डंडा, ढूंढो चेला, ढाई हाथ को डंडा लेके दायां पैर में दे दना दन, तीन जगह से तोड़ दो। गुरुजी बोले क्या कर रहे हो। चेला बोलो क्या कर रहे हो, एक तो ये आया नहीं है, ऊपर से इतना बलवान कि हमारे हिस्सा के ऊपर ये आएगा। गुरुजी बोले यार चरण तो हमारे। बोले बंटवारा तो हमारा। गुरुजी बोले भाग, यस भाग भाग, दिमाग खराब कर दिया, तोड़ दिया। चेला तो भग गया, गुरुजी को पलस्तर लगवाना पड़ा। वो तो भगवान की कृपा का टीकमगढ़ में हॉस्पिटल भी था उस जमाने में भी। गुरुजी ने पलस्तर लगवाया, सुबह हुई, लाठी लेकर के कुर्सी पे गुरुजी बैठे सुबह। अब आया चंगीलाल, चंगीलाल ने देखा गुरुजी और चरण में प्लास्टर, क्या हुआ है। गुरुजी कुछ नहीं, तुम्हारा बंटवारा खा गया है। क्या? अरे तुम लोगों ने ये बंटवारा कर दिया, ये दायां और बायां। उस चक्कर में उस मूर्ख ने कल इतना मूर्ख आदमी, चरण का बंटवारा हुआ पर चरण तो हमारे। बोले गुरुजी कितनी जगह से टूटा। गुरुजी बोले तीन। चंगीलाल बोला हमारे हिस्सा की और ये दशा। उसने छह हाथ को ढूंढो, जो ठीक था दे दना धन। गुरुजी बोले का कर रहे। चेला बोलो बलदा फट्टा रहे। गुरुजी बोले चरण तो हमारा है। चेला बोला बंटवारा भी हमारा है। और बोले गुरुजी सही सही बताओ कितने जगह से क्रैक बो। गुरुजी बोले तीन चार, इन्हें आठ जगह से कर। लेकिन एक बात तो गुरु झुकना सिखाता है। गुरु के चरण में जाने वाला व्यक्ति अभिमान रहित हो जाता है, शून्य हो जाता है। और कभी भी गुरु के पास जाना तो दिमाग से मत जाना, गुरु के सामने जब भी जाना तो दिल लेकर जाना। गुरु की सेवा दिमाग का खेल नहीं है साहब, गुरु की सेवा तो दिल का खेल है। दिमाग से जाओगे घाटा खाकर आओगे, दिल से जाओगे तो बहुत कुछ लेकर आओगे।